वेंट बने रहते हैं तो वेंट सेम रहे अगर किसी से सेंटर में भाग होता है तो छपी होता है इधर भी आपको रहेगा सामने खड़ी है अपने पास किया कारेंस और हम लोग आज इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि गाड़ी आपको क्या मिलेगी, कैसे मिलेगी और इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये गाड़ी आपको सामने से कुछ इस तरह देखने को मिलेगी। इस तरह से मतलब ये आपका पूरा डीआरएल काम करेगा। अभी तो इंडिकेटर जल रहा है लेकिन आपका पूरा डीआरएल काम करेगा। ये आपका हो गया हेडलैम्प का सेटअप, इसमें आपको तीन मिलेगा, वो भी रिफ्लेक्टर बेस्ड है। ठीक, उसके बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा फॉग लैंप, ये आपका फॉग लैंप है। ठीक, उसके बाद आपका ये पूरा का पूरा ग्रिल के साइड में पूरा क्रोम का फिनिश देखने को मिलेगा और साथ में ये फिनिश जो टेक्सचर है ना 3D टेक्सचर है, मतलब ये फील हो रहा है टच करने पे, ये क्लियर है। ये इधर से आपका टेक्सचर में डिजाइन हो गया। ये आपकी ग्रिल, एक ये ग्रिल हो गई, ऊपर एक ये आपका फिनिश है, ये आपका पियानो ब्लैक फिनिश है और यहाँ पे भी जो टेक्सचर आपको यहाँ पे दिया हुआ था सेम आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है और पूरा आपको यहाँ से वहाँ से पूरा कनेक्टेड क्रोम की फिनिश। साथ में आपको इसमें देखने को मिलेगा 4-point रिवर्स पार्किंग सेंसर जो कि आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। तो सामने से गाड़ी कुछ इस तरह होते हुए हम लोग आते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल पे, उस तरफ से आते हैं इस तरफ पिलर, तो गाड़ी साइड से कुछ इस तरह से दिखेगी। साइड से पहले आते हैं इसके व्हील्स पे, तो ये आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स, इसमें आपको चारों के चारों डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलेंगे। और अगर इसके साइज़ की बात करें तो ये है 205/65R16। ठीक, इसमें आपको 16 इंच के टायर्स देखने को मिल जाएंगे। और इसके साथ अगर दरवाजों पर बात करें तो नीचे आपको सिल्वर में फिनिश देखने को मिल जाएगी और जो इसके डोर हैंडल्स हैं ये आपको क्रोम में देखने को मिल जाएंगे। दरवाजों के हैंडल आपको क्रोम फिनिश में देखने को मिलेंगे और साथ में आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा क्रोम की फिनिश भी देखने को मिल जाएगी। और साथ में ऊपर आपका वही मैट ब्लैक और पियानो ब्लैक, मैट ब्लैक ब्लैक के साथ में आपको ये रूफ रेल भी देखने को मिल जाएगा। तो बस साइड से गाड़ी कुछ इस तरह से कम्प्लीट होती है। अब आते हैं हम लोग गाड़ी के पीछे, तो पीछे से गाड़ी कुछ इस तरह दिखेगी। ये आपका स्टॉप लैंप हो गया, ये आपका कंटिन्यू जलने वाला LED लाइट है, ये आपका रिवर्स पार्किंग लैंप हो गया और ये हो गया आपका इंडिकेटर। ठीक, उसी के नीचे बात करें तो आपको यहाँ पे ऑटो की बैजिंग मिल जाएगी, ये आपकी पूरी यहाँ वहाँ तक कनेक्टेड क्रोम की फिनिश। और पीछे भी आपको मिलेंगे 4-point रिवर्स पार्किंग सेंसर जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। इधर आपको मिल जाएगी किया की बैजिंग और इधर आपको मिल जाएगा नीचे रिवर्स पार्किंग कैमरा। ठीक है, और उसके भी नीचे आपको मिल जाएगी स्पेयर व्हील के लिए जगह और उसके ऊपर साइड एंटीना, हाई माउंट स्टॉप लैंप जो कि स्पॉइलर में इंटीग्रेटेड है, डिफॉगर और ये हो गया आपका वाइपर। और इधर आपको मिल जाएगी कारेंस की बैजिंग, साथ में आपको यहाँ पे किया कनेक्ट की बैजिंग मिलेगी जो कि आप किया कनेक्ट का ऐप डाउनलोड करके इस गाड़ी के कुछ फीचर्स को अपने फ़ोन से ही कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे एम्बियंट लाइटिंग का कलर चेंज करना हो गया, गाड़ी का स्टेटस देखना हो गया, तो आप उसको उसी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं सीधा गाड़ी के अंदर। तो अंदर जाने से पहले गाड़ी का दरवाज़ा, तो ये आपको ब्लैक और बेस कलर के डुअल टोन फिनिश के साथ में देखने को मिलता है, ये अच्छे से सिल्वर फिनिश में। ये डोर ओपन करने के लिए यहाँ पे ये ब्लैक कलर का वो है और पियानो ब्लैक फिनिश है जो कि इसको भी वाइट पट्टी से कवर किया गया है। ये आपका पूरा यहाँ पे सिल्वर सैटर्न फिनिश और इधर ये पावर विंडो को फोल्ड अनफोल्ड और ये उसको एडजस्ट करने के लिए लॉक अनलॉक और ये हो गया आपका चारों पावर विंडो। और जो ये वाली है वन टच अप वन टच डाउन, बाकी इसके कंट्रोल्स ये आपका पूरा सॉफ्ट देखने को मिलता है। और आपको यहाँ पे देखने को मिलती है अच्छी सी लाइट जो कि बहुत ही अच्छी पेरेस लुक देती है। इसमें आपको बोस का स्पीकर सेटअप मिलता है जो कि एक एक स्पीकर चारों दरवाजों में मिलता है, साथ में दो सब वूफर और ये दो सब वूफर, एक इधर और एक पीछे, और ये दो ट्विटर दोनों दरवाजों पे। ठीक है, तो और इसके साथ आपको देखने को मिलता है यहाँ पे दो कप, मतलब तीन बड़े बड़े बॉटल होल्डर, छोटा सा होल्डर और यहाँ पे ये अम्ब्रेला होल्डर। तो दरवाज़ा कुछ हो गया आपका इस तरह से। तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और बात करते हैं कि गाड़ी के अंदर अपने को क्या क्या देखने को मिलता है। तो अंदर का हाल चाल इसका कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये नहीं, यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका ये हो गया स्टेयरिंग जो कि पूरा लेदर रैप्ड है, सामने किया कि ब्रेजिंग, और ये हो गया आपका एयरबैग, यहाँ पे ये सिल्वर फिनिश और यहाँ पे लिखा हुआ है कारेंसी, ये फ्लैट बॉटम है। इधर आपका ये हो गया टेलीफोनिक कंट्रोल और ये इसका कंट्रोल, और इसके साथ में आपको ये वाला मिल गया ये वाला कंट्रोल। ये कुछ इस तरह से ऐसे चालू होता है। भाई इसका ब्लोअर का स्पीड तो कम करो पहले।
बहुत तेज है। चलो ठीक है, तो ये आपको कुछ इस तरह देखने को मिलता है। इधर आपका डिजिटल स्पीडोमीटर है और ये हो गया आपका टेकोमीटर, साथ ही इधर आपका ये फ्यूल इंडिकेटर हो गया, और ये हो गया आपका टेम्परेचर, ये गाड़ी का रेंज कि गाड़ी में जितना फ्यूल है, गाड़ी कितना मतलब गाड़ी कितना चली वो दिखा रहा है। ठीक है, इधर आपको दिखेगा बीच में ड्राइव इन्फो, जिसको आप यहाँ से ऊपर नीचे करके इस तरह से ऐसे कंट्रोल करेंगे, तो इसमें आपको पूरी गाड़ी की इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और उसी के साथ में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा क्रूज कंट्रोल का पूरा सेटअप। ठीक है, उसी साथ में आपको गाड़ी में देखने को मिलेगा पेडल शिफ्टर प्लस और इधर माइनस। इधर की बात करें, ये वाला हो गया आपका हेडलाइट का कंट्रोल, जो कि इधर ये ऑटो है, और इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा इस तरफ में वाइपर का कंट्रोल, जो कि रियर और फ्रंट दोनों का है। तो इसके कंट्रोल पर हम थोड़ा इधर देख लेते हैं। ये हो गया आपका पावर स्टार्ट स्टॉप का बटन, ये हो गया आइडल स्टार्ट स्टॉप, ये हो गया ट्रैक्शन कंट्रोल, और ये हो गया आपका हेडलाइट एडजस्ट करने के लिए, वो तो नॉर्मल सभी गाड़ियों में होता है। तो अब हम लोग आते हैं इस तरफ, इधर आपको अच्छी से देखने को मिलती है स्क्रीन, टच रिस्पॉन्स इसका क्या है कैसा है। चलते हैं होम बटन पर, टच रिस्पॉन्स इसका बहुत अच्छा है, सभी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको इनबिल्ट नेविगेशन सिस्टम देखने को मिल जाएगा, जो कि अभी आपको दिखा रहा है कि नियरेस्ट फ्यूल स्टेशन दिखा रहा है, क्योंकि इसमें पेट्रोल बहुत ही ज़्यादा कम है। साथ में ये आपका इसका कंट्रोल हो गया, नीचे एसी का कंट्रोल। अगर बात करें इसके एसी वेंट्स की, तो ये इसी में अंदर लगे हुए, ये देखिए आपको यहाँ पे दिखेंगे, लेकिन क्या है ना बहुत हिडन से हैं ये, दिखते हैं लेकिन बहुत ही अच्छी सी फिनिश देखने को मिलती है आपको। डैशबोर्ड टोटल पूरा इस तरह देखने को मिलेगा। उसी के साथ में जो ये वाला है ना, ये होता है आपको नॉर्मल बस कुछ टिकट वगैरह रखने के लिए, लेकिन इसमें जो इस तरफ आता है पैसेंजर साइड में, ये आपका होता है एक प्रॉपर कप होल्डर। तो ये कुछ इस तरह देखने को मिलेगा आपको, इसको हमने किया है यहाँ से बंद। और इधर की बात करें, ये हो गया आपका टेम्परेचर, डुअल जोन है, तो ये एसी का कंट्रोल वगैरह हो गया। उसी के साथ में नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा वायरलेस चार्जर, और ये यूएसबी पोर्ट लगाने के लिए, ये 12 वोल्ट का सॉकेट, और ये टाइप सी कनेक्ट करने के लिए। ये जो दोनों सीटें हैं ये हैं वेंटिलेटेड, तो इसके लिए आपको एक और वेंटिलेटेड के लिए बटन मिल गया, ये हिल स्टेशन कंट्रोल मिल गया, ये ड्राइव मोड सेट करने के लिए मिल गया। इस बटन को हमने दबाया, ये देखो इसमें तीन मोड आते हैं, इको फिर स्पोर्ट नॉर्मल, इसमें टोटल तीन मोड ही आते हैं। ठीक है, उसके बाद इस तरफ की बात करें, तो अगर हम इसको बटन को प्रेस करते हैं तो आपको पीछे का कैमरा देखने को मिल जाएगा, पीछे हमें आपका क्या व्यू आ रहा है। ठीक है, और ये हो गया ये फ्रंट पार्किंग सेंसर को ऑन और ऑफ करने के लिए है, इसका ख़त्म। अब आते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया आपका, ये ऑटोमेटिक गाड़ी है तो ये ऑन ऑफ हो गया कुछ इस तरह से, ये भी अच्छा सा मतलब टच बढ़िया है इसका। ठीक, इसके बगल में पूरा ही पियानो ब्लैक फिनिश, और ये आपका सिल्वर में फिनिश। ठीक है, और उसी के नीचे ये हो गया आपका कुछ कंट्रोल, इधर दो कप होल्डर, ये मैनुअल हैंड ब्रेक, और ये हो गया आपका आर्म रेस्ट, ये सॉफ्ट टच है, और ये क्या एडजस्टेबल है नहीं ऊपर होगा, ये कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे स्पेस देखने को मिलेगा। आप अगर इसको ट्रे को बाहर निकाल देंगे तो इतना स्पेस मिलेगा। इस ट्रे को लगाइए, यहाँ पे चाबी होगी जो भी रखना पड़ रखिए, और इसको बंद कर दीजिए, और फिर से अपना आर्म रख लीजिए। ठीक, तो ये रहा कुछ इसका सिस्टम। आपका जो सिस्टम है ना, ये डुअल जोन एसी का कंट्रोल है। ठीक है, ये आपका पूरा टच में है, पूरा टच, इसमें कुछ भी बटन दबाने की जरूरत नहीं है, पूरा ये टच है। बस ये आपका ऊपर नीचे टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए हो गया, और ये इधर का ब्लोवर कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, बाकी ये पूरा आपका टच का सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम हो गया। बचा इसका ग्लव बॉक्स, इसका ग्लव बॉक्स ओपन करते हैं, तो ये कुछ इस तरह को उसका ग्लव बॉक्स देखने को मिलेगा, जो कि साइज अच्छे खासे, बस ये कूल्ड नहीं है, और साथ में अच्छी से देखो भाई एम्बियंस लाइट दिख रही है आपको इधर, देखो पूरा मतलब ये तो यार मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है हर भी किसी भी गाड़ी में, मतलब ये नाइट में ना जो लुक मिलती है आपको मज़ा आ जाता है। ठीक, और फिर उसके बाद क्या बचता है, हाँ मेन तो ऊपर का बच गया, ये हो गया आपका, ये आपका पूरा ऑटो IRVM, ये किया कनेक्ट, ये तो RS है बुलाने के लिए, ये तो इमरजेंसी दबाना होता है, बाकी ऑटो अप डाउन वो डिमिंग हो जाएगा डे नाइट के अकॉर्डिंग। और अब बात करते हैं इधर, तो ये हो गया आपका, इधर टिकट होल्डर मिल जाएगा इस साइड में। इधर की बात करें तो आपको वैनिटी मिरर मिलेगा, लेकिन इसमें आपको कोई भी लाइट देखने को नहीं मिलेगी। बीच में आपको ये हेलोजन बल्ब देखने को मिलेंगे दो। ठीक, उसके बाद ये मिल गया आपको सनग्लास होल्डर बस। तो आगे का हिसाब किताब कुछ इस तरह था, तो अब हम चलते हैं इसको करते हैं बंद और चलते हैं गाड़ी के पीछे। अच्छा एक और बताऊँ, जो सीट आगे वाली थी उसमें भी इस तरह का होल दिख रहा था, लेकिन इसमें जो आगे वाली सीटें हैं वो वेंटिलेटेड हैं, लेकिन ये सीटें वेंटिलेटेड नहीं, उसका आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये हो गया सेकेंड रो, अब हम लोग चलते हैं लास्ट रो में, उसके लिए जो एंट्री है ना वो होगी उस साइड से, मैं पहले चलता हूँ उस साइड और फिर आपको दिखाता हूँ। तो हम लोग आ गए हैं इस साइड, जिसमें क्या है आपको सीट को पहले ट्रम्बल डाउन करना पड़ेगा, तभी आप अंदर जाएंगे। आपको बस ये वाला बटन प्रेस करना है, ये ऑटोमेटिक पूरा
टम्बल डाउन, आपको कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस बटन को प्रेस करना है और सीट पूरा टम्बल डाउन। और आप इजीली यहाँ से, ज़्यादा हाइट तो है नहीं इसकी, तो आप इजीली यहाँ से एक पैर को हमने रखा है यहाँ पे और सीधा हम एंटर कर गए यहाँ पे। तो अगर उस सीट को तो भी वहीं रहने देते हैं, लेकिन अगर मैं बैठूँ यहाँ पे ना तो भाई मेरे को कम्फर्टेबल फील नहीं हो रहा है। बच्चा, हाँ बच्चा बैठ जाएगा, अगर एक अकेला आदमी है तो वो तो आराम से ऐसे लेट के जाएगा यहाँ पे, ऐसे चौकड़ी मार के आराम से बैठते हुए गेम खेलते, वीडियो करते, कुछ भी करो, मतलब पीछे एक आदमी आराम से जाएगा, ठीक। और उसके बाद बात करें तो इस साइड में अभी आपको देखने को मिलेगा ये कप होल्डर, ये अपने पे अपना फ़ोन रख सकते हैं इधर, और ये आपको मिल गया एक टाइप सी का पोर्ट, मतलब ये पोर्ट जो दिया हुआ है ना हर जगह ना, वो बहुत अच्छी बात है। और साथ में इधर की बात करें तो आपको इधर भी कप होल्डर फ़ोन रखने के लिए, और ये आपका टाइप सी का। और उस वाले सीट पे तो ये दिया हुआ है आपका एयर प्योरीफायर, लेकिन जो ये वाली सीट है इस पे आपको एयर प्योरीफायर नहीं दिया हुआ है। आप इसको ऐसे करके यहाँ पे अपना फ़ोन टैबलेट, ये जगह दिया हुआ है फ़ोन टैबलेट, यहाँ पे कोई कप होल्डर और कुछ सामान यहाँ पे भी आप रख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह है, और यहाँ पे आपका ये तो दिया हुआ है। इस सीट को हमने सीधा कर दिया, तो इसमें जो आपको दो हेडरेस्ट मिलते हैं ये आपको एडजस्टेबल मिलेंगे दो हेडरेस्ट, और साथ में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है ये वाला एक आर्म रेस्ट, लेकिन अभी ये यहाँ पे प्लास्टिक लगी हुई, इसको खोलते नहीं है, लेकिन आपको आर्म रेस्ट है, हो सकता है शायद इसमें दो कप होल्डर दिया हुआ हो और नहीं भी हो सकता है। तो ऐसी थी अपनी गाड़ी किया कैरेंस, तो आपको ये गाड़ी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। इस गाड़ी की जो स्ट्रॉन्ग कंपटीटर है वो है मार्केट में अर्टिगा और XL6, इससे पूरा कंपेरिजन इस गाड़ी का। तो गाड़ी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, चैनल में सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा।